हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अवधेश राणा आज फिर हाजिर हूँ एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गोनोरिया, यानी कि गोनोरिया के बारे में आज हम जो है डिस्कशन करेंगे और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपने टॉपिक के बढ़ाने से पहले मैं अपने इस हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, गोनोरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि यह जो है जब कोई भी पर्सन मल्टीपल पार्टनर सेक्स करता है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उस दौरान जो है एक बैक्टीरिया होता है जिसको कि हम बोलते हैं बैक्टीरियम निजेरिया गोनोरी। ये बैक्टीरिया जो है ट्रांसमिट होता है और जो है ये ट्रांसमिट होकर के जो है सेकंड पार्टनर के पास पहुंचता है और इस तरह से जो है उसको गोनोरिया की बीमारी होती है। दोस्तों, जानते हैं कि गोनोरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। गोनोरिया के सिम्टम्स जो है सबसे पहले फीमेल के बारे में बात करते हैं। फीमेल में जो है गोनोरिया के सिम्टम्स जो है, पहला सिम्टम जो होता है वो अनयूजुअल वेजिनल डिस्चार्जेज होते हैं जो कि सफेद या पीले रंग के हो सकते हैं, जिसमें कि स्मेलिंग भी हो सकती है या फिर उसमें जो है किसी तरह की कोई जलन या खुजली भी हो सकती है। दूसरा जो है सिम्टम्स होता है, जब भी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस दौरान जो है काफी वो पेनफुल होता है फीमेल के लिए। तीसरा सिम्टम्स जो होता है, इसमें जो है ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग जो है बिटवीन द पीरियड होती है और ये काफी हैवी ब्लीडिंग होती है और बीच बीच में होती रहती है। ये कभी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले लक्षण के बारे में। अगला लक्षण इसका ये होता है कि आपके पेल्विक रीजन में, यानी कि लोअर एब्डोमेन में आपको क्रैम्पिंग पेन, यानी कि बहुत तेजी से दर्द हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है आपको एक और सिम्टम आएगा, जब आप बाथरूम जाएंगे तो बाथरूम के दौरान आप जब मूत्र त्याग करेंगे तो यानी कि यूरिनेशन के दौरान जो है आपको बहुत तेज जलन महसूस होगी। ये सारे सिम्टम्स फीमेल में होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मेल में सिम्टम्स किस तरह के आते हैं। मेल में जो है उनके टेस्टिस जो है काफी स्वेलिंग कर जाती है और उसमें जो है काफी दर्द होता है। और दूसरा सिम्टम जो होता है वो भी, जब बाथरूम या यूरिनेशन करते हैं तो उस दौरान जो है उसमें बहुत तेजी से जलन होती है और इनके डिस्चार्ज जो है व्हाइट या येलो के साथ साथ ग्रीनिश भी हो सकते हैं। ये सिम्टम्स मेल में आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स में आपके गले में किसी तरह का जो है चुभन हो सकती है या स्क्रैचेज हो सकते हैं या किसी तरह की गले में जो है खुजली हो सकती है या गले में दर्द महसूस होगा। दोस्तों, इसके साथ जो है और सिम्टम्स आते हैं। आप जब भी बाथरूम या लैट्रिन करेंगे तो उसके दौरान, लैट्रिन के दौरान जो है आपके जो है पीछे मल द्वार में जो है काफी इचिंग और उसमें से जो है व्हाइट डिस्चार्जेज होंगे। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे जो मैंने आपको बताए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गोनोरिया के क्या काजेज यानी कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला और बड़ा कारण होता है मल्टीपल पार्टनर सेक्स, यानी कि आप एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको जो है गोनोरिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि जब भी आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और वो अनसेफ यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो आपको जो है ये गोनोरिया बैक्टीरिया जो है ट्रांसमिट होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, इस बीमारी से बचने के लिए प्रिवेंशन के तौर पे आप जो है जब भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाएं तो उसके साथ जो है आप कंडोम का इस्तेमाल करें और डेंटल डैम का इस्तेमाल करें और किसी भी सेक्सुअल टॉयज को जो है अवॉइड करने की कोशिश करें। और ऐसे पर्सन या पार्टनर के साथ कभी न सेक्स करें जो कि ऑलरेडी किसी तरह के गोनोरिया के सिम्टम्स दे रहा हो। और सबसे बड़ी बात, आप अपने पार्टनर के साथ काफी लॉयल और वफादार रहें, एक पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करें, शारीरिक संबंध बनाएं। और इसके साथ साथ जब भी आपको लगे कि यह इन्फेक्शन हो सकता है गोनोरिया का तो आप उस दौरान जो है संपर्क न करें या किसी तरह का जो है शारीरिक संबंध
न बनाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जो है गोनोरिया के सारे सिम्टम्स बताया, अगर इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको नजर आ रहा है तो आपको जो है तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है और अपना एक जो है रूटीन चेकअप कराने की जरूरत है, ताकि ये डायग्नोसिस की जा सके कि आप गोनोरिया वायरस से इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। इसमें जो है आप जो है अपना स्वैब टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें कि एक स्वैब फ्लूड लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है, और इसके साथ जो है आप अपना एसटीडी पैनल टेस्ट करा सकते हैं। इन टेस्ट की मदद से जो है डायग्नोसिस की जा सकती है और आपके जो है किसी भी तरह के जो है बैक्टीरियल गोनोरियल बैक्टीरियल के इन्फेक्शन को जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है, डायग्नोसिस की जा सकती है और उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ताकि आप जो है बीमारी आपकी जड़ से खत्म हो जाए। दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपने पार्टनर से ही शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि अगर आपको जो है निजेरिया गोनोरिया का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तो है और हो सकता है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे जो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी कि HIV या हो जाता है तो उसकी वजह से आपको एड्स होने के चांसेस होते हैं, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम हो सकता है, तो जिसका कि आप जानते हैं कि इलाज इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ वफादार रहें और उसके साथ ही संपर्क करें, शारीरिक संबंध बनाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ इसके होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। इसमें होम्योपैथिक दवाएं क्या हो सकती हैं? होम्योपैथिक दवाओं में सबसे पहले बात करते हैं थूजा 200 और मैक्साल 200 और पल्सिटला 200 की पोटेंसी में आप जो है सुबह दोपहर शाम एक एक बूंद ले सकते हैं, और इसके साथ जो है कैनाबिस सटाइवा की मदर टिंचर आती है, उसको जो है आप आधे कप पानी में 10-10 बूंद डाल के तीनों टाइम लीजिए और आपका जो है यह बीमारी सही हो जाएगा। इसके साथ अगर आपके बाथरूम में यानी कि पेशाब में बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो वहां पे आप जो है मेडोराइनम 200 ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम एक एक बूंद। इसके साथ साथ अगर आपके पीरियड के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, माइनर है या हैवी ब्लीडिंग है, तो वहां पे आप जो है सबाइना 200 की पोटेंसी में एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके वजाइना से किसी तरह का रेड या रेडिश डिस्चार्जेज हो रहे हैं तो एक मेडिसिन आती है क्यूबेबा मेडिसिन जो है 200 की पोटेंसी में आप जो है एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ दवाइयां थी जो कंडीशन के अनुसार यानी सिम्टम के अनुसार मैंने आपको बताया, और दोस्तों इसमें और भी बहुत सारी दवाइयां आती हैं जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होती हैं। अगर आपको गोनोरिया है या इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो आप अपने आसपास किसी भी कुशल चिकित्सक से संपर्क कीजिए और अपना जो है ट्रीटमेंट कराइए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें कि काफी रिसर्च वर्क लगता है, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसलिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।